तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेडिंग सीज़न शुरू हो गया है तो मैं सोची क्यों ना एक अच्छा सा लुक क्रिएट करूं और आप लोग के साथ शेयर करूं। तो पूरी लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है कि किस तरीके से मैंने ये लुक क्रिएट किया हुआ है। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलो ज़रूर कॉमेंट करके बताएगा कि ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र क्रीम। ये वाला मॉइस्चराइज़र क्रीम बहुत अच्छा है सीटाफिल का, और मेरी स्किन बहुत ड्राई है, इसके लिए मैं कभी भी मेकअप करने के पहले मॉइस्चराइज़र क्रीम अप्लाई ज़रूर करती हूँ अच्छे से, और नहीं भी मेकअप करना रहता है तो भी करती हूँ। तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मेबलिन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ मैं। कोई भी अगर आपको बेस अच्छा चाहिए तो प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उससे क्या होता है कि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं पैचेस पड़ जाते हैं। तो जहाँ भी मेकअप करने के बाद आपको पैचेस पड़ते हैं वहाँ पे मॉइस्चराइज़र क्रीम और प्राइमर ज़रूर अच्छे से लगाइए, तो आपके मेकअप में पैचेस नहीं पड़ेंगे। मोस्टली नाक वाक के पास में पड़ ही जाता है, लाइन एक क्रिएट हो जाती है, तो अगर आप प्राइमर और मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे तो वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का फाउंडेशन, जिसका शेड जो है वो है हनी। और फाउंडेशन लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से करिए, अदरवाइज़ आप कोई सा भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। वैसे प्ल्यूम का ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको पता होगा कि ब्यूटी ब्लेंडर हम लोगों को ऐसे डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है, उसको अच्छे से पानी में निचोड़ने के बाद, अच्छे से उसका पानी निकाल लेने के बाद तब जाके फेस पे यूज़ करना है, उससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। नेक्स्ट अब मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का ही कंसीलर। कंसीलर का शेड कौन सा है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप देख लेना। और कंसीलर जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है वहाँ मैं लगा रही हूँ। अगर आपके फेस में ज़्यादा डिसकलरेशन नहीं है या डार्क सर्कल्स नहीं है तो कंसीलर को अवॉइड करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा थोड़ा हैवी मेकअप लगने लगता है। तो यहाँ मैं कंसीलर लगा रही हूँ, लगाने के बाद मैं इसे अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। कॉम्पैक्ट, अगर आपके पास लूज़ पाउडर है तो आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। बहुत से जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है लूज़ पाउडर क्या होता है, तो मेरी बहुत सी वीडियोज़ में आपको लूज़ पाउडर यूज़ करने को मिलेगा। आप जहाँ वहाँ पर जाकर मेरी वीडियो देख के जान सकते हो कि लूज़ पाउडर एक्चुअली होता क्या है। तो अब मेरा कॉम्पैक्ट लगा के हो गया है, सिर्फ मैंने कंसीलर को सेट किया है अपने कॉम्पैक्ट से। अब मैंने लिप्स में लगाया है नीविया का लिप बॉम, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश, जो कि मैंने फॉरएवर 52 का ही यूज़ किया है। काफ़ी अच्छा ब्लश है ये, और ब्लश को मैं कर रही हूँ प्ल्यूम के ब्रश से, और नोज़ पे, चेक पे, हर एक जगह ब्लश लगाने के बाद मैं आप कर रही हूँ मेरे फेस को कॉन्टोर। एक्चुअली कॉन्टोर पहले करना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को ब्लश लगाने के बाद ही कॉन्टोर समझ में आता है। तो बालों में थोड़ा सिर पे जहाँ जहाँ कॉन्टोर यूज़ करना चाहिए वहाँ मैं कर रही हूँ, और कॉन्टोर यूज़ करने से आपका एक फेस अच्छे शेप में आ जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी मेरी जैसी चबी चबी फेस होती है। तो इस तरीके से कर ले मैं गालों पे कॉन्टोर, गर्दन पे कॉन्टोर, और नोज़ पे जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाँ ज़रूरी है वहाँ। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइलाइटर का। वैसे ही फेस इतना ग्लो करने लगा, लेकिन फिर मैं सोचा चलो थोड़ा सा और ग्लो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का हाइलाइटर, और हाइलाइटर यूज़ करने के बाद अब आप देखोगे कि अगर मैं कहीं शादी वगैरह में भी जाऊँगी वहाँ लाइट नहीं भी जल रही होगी तो भी मेरा फेस देख के पूरा जो शादी का मंडप है वो चमकने लगेगा। सॉरी गाइस, मजाक कर रही हूँ, और अभी मैं ऐसा बोलूँगी नहीं तो आपको बोर होगा, फिर आप मेरी वीडियोस आगे कर करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए फिर मैं सोची थोड़ा मजाक कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, और हाइलाइटर यूज़ करने के बाद हो गया मेरा मेकअप डन।
अरे लिपस्टिक तो बाकी थी, तो मैं सोची चलो लिपस्टिक भी यूज़ करती हूँ। लाइम क्राइम का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेड है, लेकिन 1600 रुपये की लिपस्टिक पड़ी है मुझे, कोई बात नहीं। फिर अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक करने के बाद मेकअप जो है डन। अरे आग का भी मेकअप तो बाकी है, चलो फिर आग का ही मेकअप शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ लिपस्टिक लगाने के बाद चलो बातें हैं आँख के मेकअप पे। आईब्रो सेट कर लेती हूँ मैं, आईब्रो थोड़ा कम ही सेट करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर से पहले अपने क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है, फिर हल्का सा डार्क कलर लिया है ऑरेंज का ही, उससे लाइन जो है वो क्रीज किया है। यहाँ मैं लगा रही सिल्वर कलर का गोल्डन आई शेडो, और ये जो मैंने आई शेडो यूज़ किया वो फॉरएवर 52 के पैलेट से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हल्का सा डार्क शेड लेकर के मैं इसे मर्ज कर रही हूँ। अब बारी आती है लाइनर की, तो लाइनर मैंने यूज़ किया है मेबलिन का, और कलर बार का आई लाइनर लो, काफ़ी अच्छा लाइनर है ये, मेबलिन भी अच्छा है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये लाइनर, और लाइनर की भी जो वीडियो है 5 ट्रिक मैंने अपनी वीडियो में डाल रखी, वहाँ से जाकर के आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। लैसेस कर्ल करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा और वाइट काजल यूज़ किया है, और ये आँख का मेकअप मेरा हो गया है और सारे मेकअप भी हो गए। सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद अब आते हैं हमारे फाइनल लुक पे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ मेरे आउटफिट एंड ज्वेलरी के साथ। मेरी ज्वेलरी अच्छी लग रही है ना, तो अगर अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पसंद की कोई लुक क्रिएट करूँ और आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर वो लुक क्रिएट करूँगी एंड शेयर करूँगी। और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये लोग आपको कैसा लगा, अच्छी लगे तो भी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छी लगे तो भी सब्सक्राइब कर ही लेना, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।